मैं हूं आपके साथ रोशनी शर्मा और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। गंज बासोदा, प्रदेश के मुखिया भले ही गरीब और लाचार जनता की भलाई के लिए पूरे प्रदेश में महत्वपूर्ण योजनाएं बना लें, लेकिन धरातल पर उन योजनाओं का लाभ जरूरतमंद नागरिकों को नहीं मिल पाता। विभागों में बैठे जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारियों की लापरवाही के कारण शासकीय योजनाओं का लाभ लेने के लिए गरीब हितग्राही सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर है। लालपठा स्वरूप नगर की रहने वाली विधवा महिला हीराबाई के पति की मृत्यु गंभीर बीमारी के चलते मार्च 2019 को शासकीय चिकित्सालय में उपचार के दौरान हो गई थी। आर्थिक तंगी के कारण महिला ने अपने पति का अंतिम संस्कार भी कर्जा लेकर किया। पंचायत द्वारा आज तक अंतिम संस्कार के लिए मिलने वाली राशि का भुगतान नहीं किया। विधवा महिला के पास गरीबी रेखा का राशन कार्ड होने के बाद भी संबल योजना का लाभ भी नहीं मिला, जबकि परिवार का मुखिया उसका पति था। पति की मृत्यु के बाद आर्थिक तंगी के चलते महिला दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हो गई है। उस गरीब महिला का कहना है कि पिछले 3 सालों से कई बार शासन से मदद के लिए गुहार लगाते हुए कार्यालयों के चक्कर काट रही है, पर आज तक उसे किसी भी योजनाओं का लाभ नहीं मिला। जी दवाई, क्या मामला है ये? जी हमारे पति शांत हो गए तो हमें मृत्यु के भी पैसे नहीं मिले और हम बहुत परेशान हैं घर में अकेले, हमारे पास सहारा नहीं। तो आपने कहाँ कहाँ आवेदन दिया, किस किस? ब्लॉक में भी दे दो, परिते भी दे दो, जनसुनवाई नगर पालिका में भी दो, सरपंच सचिव के यहाँ, सबके यहाँ फिर फिर के परेशान हो गए। कितना समय हो गया है आपको आपके पति को मरे हुए? 4 साल। अभी तक आपको कहीं से कहीं भी सहायता राशि नहीं मिली अभी तक? खबर समय जगत के लिए गंज बासोदा से अर्पित जैन की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।